झारखंड में सरकारी स्कूलों को रविवार के साप्ताहिक अवकाश के बदले शुक्रवार को बंद रखने का मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इसे लेकर सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें पंकज ने स्कूलों के इस्लामीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। पंकज यादव ने याचिका के माध्यम से कहा है कि जामताड़ा, पाकुड़, गढ़वा समेत झारखंड के 6 जिलों के सैकड़ों स्कूलों का इस्लामीकरण हो रहा है। मुस्लिम बहुल इलाके में सरकारी स्कूलों के नाम के आगे मनमाने तरीके से उर्दू विद्यालय लिख दिया जा रहा है। उन विद्यालयों को सरकार की तरफ से घोषित रविवार की छुट्टी की जगह शुक्रवार को स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही इन स्कूलों में बच्चों के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बजाय हाथ बंद कर प्रार्थना करवाई जा रही है। याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य में गढ़वा के 100 और जामताड़ा जिले के 50 स्कूलों में सरकारी नियमों का उल्लंघन कर ऐसी मनमानी की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।